नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर के राज्यों में कोविड 19 से सबसे ज्यादा प्रभावित केरल है। केरल में मंगलवार को सबसे ज्यादा 23,676 नए मामले सामने आए हैं। बुधवार को केरल सरकार ने मौजूदा कोविड 19 दिशा निर्देशों को 5 अगस्त की सुबह 12 बजे से बढ़ा दिया है। इसके साथ ही केरल के पिनाराई विजयन सरकार ने राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की भी घोषणा की है। लॉकडाउन सिर्फ रविवार को लगाया जाना है। दुकान का समय हफ्ते में 6 दिन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। वहीं ओडम और 15 अगस्त को पड़ने वाले रविवार पर वीकेंड लॉकडाउन हटाने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने विधानसभा में जानकारी दी। टेस्ट पॉजिटिव रेट को लेकर राज्य सरकार को अतिरिक्त मानदंड तय करने के लिए सुझाव मिले हैं। हालांकि सरकार ने ट्रिपल लॉकडाउन लगाने की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक हाई लेवल मीटिंग की और कोविड पर नियंत्रण योजना में संशोधन करने का फैसला लिया था। इसकी वजह से नगर निकायों के TPR आधारित लॉकडाउन संबंधी नतीजे नाकामयाब रहे। कोविड मैनेजमेंट के पैनल के विशेषज्ञों की ओर से जारी रिपोर्ट सौंपी गई, जिसमें 9 बजे तक खोलने की इजाज़त देने की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि ये एक ऐसे इलाके में स्थित दुकानों के लिए ट्रिपल लॉकडाउन होगा जहां एक सप्ताह में 1,000 आबादी में से 10 से ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं। दूसरी जगहों पर राज्यों में मौजूदा सामान्य स्थिति और वैक्सीनेशन की प्रगति को देखते हुए हफ्ते में 6 दिन दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। वहां दुकानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगी। स्वतंत्रता दिवस और केरल के प्रमुख त्यौहार ओणम में होने वाली भीड़ को देखते हुए दुकानें खुली रहेंगी और 15 और 22 अगस्त को प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इन दोनों दिन रविवार हैं, लेकिन बाजार खुले रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।